सिंगर उस्तादों को सलाम। जी हाँ नमस्कार, आरएनआई टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान में। यूं तो दिल्ली के प्रगति मैदान में बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, पर हर साल में एक बार आने वाला ट्रेड फेयर अपने आप में बेहद ही खास है, बेहद ही अलग है। ट्रेड फेयर 2019 का आयोजन 14 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलेगा और ऐसे में आज मैं मौजूद हूँ प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर में। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि इस बार के ट्रेड फेयर में क्या कुछ है खास और कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है और लोग इस ट्रेड फेयर को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की रौनक अलग ही होती है। आप कभी भी मार्केट में जाते हैं या खुद कश्मीर जाते हैं तो आपको लगता होगा कि आप ज़रूर कश्मीरी चीज कुछ लेके आए अपने घर तक। और कश्मीर की शॉल, कश्मीर की स्टोल का भाई क्या कहना, हर जगह मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। पर स्ट्रीट फेयर में कश्मीर का जो स्टोल लगा हुआ है वहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के कश्मीरी स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए लगाए गए हैं। कलर्स की बात करूँ तो ज़रा आप ये देखिए, ऑरेंज कलर, पिंक, आपको जो भी कलर चाहिए, वाइट कलर, मरून कलर, पर्पल कलर, हर कलर के आपको यहाँ पे स्टोल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। कलर्स अपने आप में बहुत सुंदर है। डिज़ाइन की बात करें तो ये मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे हैवी वर्क के साथ पार्टी वेयर वाला स्टोल जो है ये भी यहाँ पे इस बार लगाया गया है। कश्मीर की खूबसूरती एक अलग ही खूबसूरती होती है और मैंने भी एक स्टोल जो है वो पहना हुआ है जो कि पश्मीना है। आप पश्मीना की जब भी बात करते हैं तो पश्मीना से आपको हमेशा कश्मीर की याद आती है। तो आपको यहाँ पे इस ट्रेड फेयर में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, आपको इसके लिए कश्मीर जाना नहीं पड़ेगा। और आजकल जो वुमेंस होते हैं, खास करके जो लेडीज़ होती है, वो पोंचो बहुत ज़्यादा कैरी करती है। और वैसे भी विंटर का सीज़न आने वाला है, ऐसे में यदि आप कुछ लाइट वेट विंटर कपड़े पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कश्मीर की रौनक यहाँ पर नज़र आ रही है। जो सारे कलर्स में आपको मिल रहे हैं, वैरायटी बहुत सारी इस बार जो है ट्रेड फेयर में लाई गई है। और ख़ासकर आप मार्केट जाते हैं या कश्मीर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आपको कश्मीर में तो वो चीज़ें मिल जाएंगी, पर यदि आप दिल्ली, मुंबई, नोएडा के इन मार्केट्स में जाएंगे तो आपको रियल पश्मीना नहीं मिलता। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पश्मीना उसकी क्या क्वालिटी है और इस बार पश्मीना की आप क्या क्या चीज़ें इस बार ट्रेड फेयर में लेके आए हैं। हमारा तो पश्मीना का जो है ना, मैं वो एक्चुअली हमारा तो कॉमन ही रहता है शॉल और स्टोल, लेकिन हम लोगों ने इस बार थोड़ा डिफरेंट बनाया है। पोंचूज बनाए हम लोगों ने, चेक में स्टोल बनाए और एक डिफरेंट चीज़ बनाई। आज तक आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शॉल स्टोल देखे हो, लेकिन हम लोगों ने एक साड़ी बनाई है पश्मीना में। जी तो देखिए हर कोई, हाँ वाओ, साड़ियाँ हमेशा नहीं मिलती और सच में इसे देख के मतलब कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि ये साड़ी क्या खूबसूरती है। इसकी डिजाइनिंग के बारे में कुछ बता। ये जो ये साड़ी है ना मैम, ये जो जैसे कोई प्रिंट या कोई पैंट नहीं है, ये एक्चुअली वीव है। आप इसका बैक साइड देख लीजिए, ये नियर अबाउट 6 मंथ का जॉब है। ये गाँव में लड़कियाँ काम करती है हाथों से। एक साड़ी ऐसी होती है कि मतलब जो मशीन से बनती है, ये वो चीज़ नहीं है। इसका पहले शॉल आता था जिसको कानी बोलते हैं, इस बार हम लोगों ने इसकी साड़ी बनाई है कानी में। इसका प्राइस जो है नियर अबाउट 55,000 रुपीज का मैम। इसका जो खूबसूरती है ना मैम, एक जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। जो ऐसा इसमें क्या है कि क्वालिटी है ऐसी, ये कोई वह मशीन का चीज़ नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि ये किसी मशीन से नहीं बनाया गया। और साड़ी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं आपको एक और डिफरेंट साड़ी दिखाना चाहूंगी जिसका कलर बेहद ही सुंदर है। इसको किससे बनाया गया और इस साड़ी की क्या खासियत है, जरा आप हमारे व्यूअर्स को। ये राजबाग सिल्क है, राजबाग फेमस जगह है कश्मीर में, जहाँ पे मतलब ज्यादा से गवर्नमेंट के थ्रू से सिल्क मिलता है वहाँ पे। ये जो ये सिल्क है ना मैम, ये तो जितने धोने से सॉफ्ट हो जाता है और ये मतलब कि इसका रफ एंड टफ भी यूज कर सकते हैं। और ये मलखा सिल्क में अवेलेबल है। तो इसे बनाने में कितना टाइम लगता है? इसका तो ये हैंडलूम का प्रोडक्ट है ना मैम, हैंडलूम में तो टाइम ही लगता है। ये कम से कम 1 महीने में एक साड़ी बनती है। इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसका नियर अबाउट 6,500 रुपीज। तो आपने देखा कि एक नहीं दो नहीं साड़ी की बहुत ज्यादा वैरायटी है, पर कश्मीरी स्टॉल में खड़े हैं और पश्मीना शॉल ना देखे ऐसा कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को पश्मीना शॉल दिखाएं। जी ये देखो, ये जो शॉल है ना मैम, आप लोगों ने सोजनी वर्क देखा हो आज तक ये, लेकिन इस बार हम लोगों ने डिफरेंट बनाया है मैम। ये देख लीजिए, ये पहले हैंड पेंट किया हुआ है, फिर इसके बाद हैंड एम्ब्रॉयडरी किया है इसके ऊपर।
ये गांव में लड़कियां काम करती है हाथ से, पहले इसको पेंट करते फिर एम्ब्रॉयडरी करते। इसे बनाने में कितना टाइम लगता है? इसका कम से कम एक महीने लगता है। कॉस्ट की बात करें तो क्या कॉस्ट? 14,000 कॉस्ट है, मतलब इजी कॉस्ट है इसका 14,000। मार्केट में तो ये 20,000 का भी बिकेगा, लेकिन हमारा एनजीओ का थ्रू है ये, मैडम हमारे एनजीओ का थ्रू है, हमारा 14,000 इसका कॉस्ट रहता है। आपने देखा कश्मीर की खूबसूरती बिल्कुल अलग होती है। तो अब आपको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेड फेयर आइए और रियल क्वालिटी का पश्मीना शॉल आपको लेना हो। और सबसे खास बात आपने जो देखा कि यहाँ पे साड़ी भी मिल रही है, साड़ी एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ऐसी साड़ियाँ आपको नहीं मिलेगी किसी भी मार्केट में। इस बार साड़ियाँ जो है वो बनाकर लेके आई है गई है, वो भी प्योर पश्मीना में, प्योर कश्मीरी डिज़ाइन में, जिसे हैंडमेड ही बनाया गया है बिल्कुल, ये मशीन का इसमें वर्क नहीं है, जिसका आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा है। खास करके जो फीमेल्स होती है वो शॉपिंग का भरपूर मजा उड़ाती है। तो आपको अब दिखाते हैं दुबई के कुछ प्रोडक्ट। और बात जब शॉपिंग की हो फीमेल्स की, तो भाई कपड़े लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सूट है, बहुत सारे सूट के पीसेस बहुत सारे लगे हुए हैं। तो कलर्स आप देखिए, बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। और खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको हैंडमेड सूट मिलेगा। आप वो येलो कलर का सूट देख सकते हैं जो कि प्योर हैंडमेड है, उसी के साथ ये जो ग्रीन है ये भी प्योर हैंडमेड सूट है। उसी के साथ जो डिफरेंट और अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये है, वो यहाँ का मुकेश वर्क। जी हाँ, तो मुकेश वर्क की क्या खासियत है? क्या ये टोटल हैंडमेड होता है मैम, इसको प्लास्टिक स्टिच किया जाता था, में सारा धागे का काम होता है, प्योर जॉर्जेट के ऊपर होता है। आप कह रहे थे कि आप खुद बनाते हैं, तो इसकी इसकी मैम क्वालिटी, एक तो ये हम प्योर पे लाते हैं, हम स्पेशल हमारे जो दुबई का होता है ना कपड़ा प्योर शिफॉन, फिर इसको लाके हमारी लेडीज होती हैं इस्तांबुल से और अलग टर्की वगैरह से, ये लेडीज इस पर वर्क बनाती हैं, तो इसलिए हम ये यहाँ लाते हैं इसको स्पेशली बनाएंगे। मुकेश वर्क के साथ साथ और क्या स्पेशल और अट्रैक्टिव चीज़ के साथ? ऊन वर्क मिलता है हमारे पास, ये भी सारा हैंडमेड होता है। स्टोन वर्क आजकल जो स्वारोस्की चल रही है ये प्योर शिफॉन के ऊपर है जी, और इसके नीचे आपको मिल जाएंगे शिफॉन के सारे प्योर सूट्स। कितनी डिमांड है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या वैरायटी है और लोगों की डिमांड क्या है? हैंडमेड लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हों? हैंडमेड ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को, तो इस वजह से हैंडमेड की तरफ हमारा ध्यान भी ज़्यादा रहता है। पब्लिक का प्यार है और लगातार यहाँ पे जो भीड़ है वो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि सिर्फ प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर में आपको पूरे दुनिया भर की तमाम वो चीजें मिल जाती हैं जो आपको शायद कहीं और ना मिले। आप एक साथ पूरे देश की क्रिएटिविटी को देख सकते हैं। तो आपने खुद देखा कि एक ही दुकान में आपको अलग अलग वैरायटी की कितनी सारी चीजें जो है वो मिल रही है। बात करूँ हैंडमेड की, तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी ऊन वर्क का हैंडमेड सूट जो यहाँ पे डिफरेंट और अलग है। उसी के साथ हैंडमेड जरी में भी है, स्टोन में भी है, तो डिफरेंट डिजाइन है, डिफरेंट वैरायटी है, कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं। आपको यहाँ पे आके कंफ्यूजन में आप नहीं पड़ेंगे कि क्या खरीदे ना क्या खरीदे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं और आपको कुछ ना कुछ जरूर पसंद आ ही जाएगा। ट्यूनिशिया प्रोडक्ट को यहाँ पे इस बार के ट्रेड फेयर में लाया गया है, जिसकी लेदर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी एक ब्राइट कलर का हैंडबैग जो मेरे हाथ में है, आप इसकी डिज़ाइन देखिए। और डिज़ाइन के साथ साथ जब लेदर की बात होती है तो लेदर की प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास और अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ट्यूनिशिया के प्रोडक्ट्स के लेदर बैग्स वर्ल्ड फेमस है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ यहाँ पे जो बैग है वो आपको मिल रहा है। साइज की बात करूँ तो आपको यहाँ पे सारे साइज के साथ साथ अलग अलग पैटर्न वाले भी बैग मिल रहे हैं। आप मेरे हाथ में ये एक येलो कलर का बैग देख सकते हैं, इसमें आप अपने मेकअप का सामान रख सकते हैं या छोटा मोटा कोई भी आप सामान रख के कैरी करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और जब भी वॉलेट की बात होती है तो भाई हर लेडीज़ के हाथ में एक अच्छा सा वॉलेट होना चाहिए, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि लेदर का बहुत ही सुंदर सा वॉलेट है। ये ड्यूरेबल है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लॉन्ग रन है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो कलर्स बहुत अच्छे हैं, वैरायटी आपको यहाँ पे बहुत सारी दिख जाएगी। डिज़ाइंस की बात की तो एक नज़र यहाँ पे भी आप डाल लीजिए कि यहाँ पे कितनी वैरायटी के साथ साथ कितने डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के यहाँ पे जो बैग है वो आपको मिल रहे हैं। तो भाई लेदर है, लेदर जब भी
कोई प्रोडक्ट लेदर का बना होता है तो उसकी हम गारंटी लेके चलते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। और इस बार के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आपको ट्यूनिशिया के लेदर बैग का जो क्रेज़ है यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और इस बार के ट्रेड फेयर से कुछ ऐसा लेके जाना चाह रहे हैं जो उनके लिए भी यादगार रहे और स्पेशल रहे। As you see, this, all the stuff and all the goods are from Tunisia. This is our traditional handcraft, mainly in leather, and this is mainly goat leather. आपको अब मैं दिखाती हूँ पंजाब की शान, कुछ सरारा एंड गदारा जो हर जगह पंजाबी फेस्टिवल्स में आप जाते हैं या पंजाबी वेडिंग में जाते हैं तो आपको हर फीमेल्स वहाँ पे पहनी हुई नज़र आती है जो अपने आप में एक अलग सा ट्रेंड सेट करता है और फीमेल्स पे खास करके बहुत ज़्यादा सुंदर निखर के आता है ऐसे ड्रेसेस। तो आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे सिर्फ डेलीवेयर और डेलीवेयर की चीज़ें नहीं मिल रही, आप कुछ ऐसी भी चीज़ें यहाँ से ले जा सकते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या कोई शादी हो, पार्टी वेयर ड्रेसेस आप यदि ढूंढ रहे हैं तो इस बार के ट्रेड फेयर में आपको डिज़ाइनर सरारा एंड गरारा भी मिलेगा जो कि यहाँ पे सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो पंजाब का है। कलर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कलर्स की यहाँ पे भरमार है, वैरायटी की भरमार है। और वैरायटी की जब भी बात होती है तो ट्रेड फेयर है और ट्रेड फेयर में हमेशा हम हैंडमेड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या जो लोग आते भी हैं इस ट्रेड फेयर घूमने वो कोशिश यही करते हैं कि हर स्टेट की वहाँ की जो खूबसूरती है वो देखें और वहाँ की हैंडमेड चीज़ों को खरीदें। तो हैंडमेड में मैं आपको सरारा और गरारा दिखाती हूँ। ये कलर अपने आप में बहुत ही प्यारा है जिसका आप देख सकते हैं कि जो ये वर्क है वो पूरा का पूरा ये जो हैंडमेड वर्क है। आप भी बहुत ही खूबसूरत सरारे के साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं। जो हैंडमेड वर्क है उसको बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है और क्या खासियत होती है उसकी? मैम, हैंडमेड वर्क को जो बनाने में टाइम लगता है, टाइम तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो वेस्ट होता ही है और उसकी खूबसूरती वो जो आती है मैम अलग ही होती है। उसकी खूबसूरती बहुत अलग होती है। और मैं आपको ये एक अलग ही खूबसूरती, ये जरी से भरा एक डिज़ाइन दिखाना चाहूँगी। सरारा गरारा आप जब भी खरीदते हैं या प्रेफर करते हैं कि उसका जो दुपट्टा हो वो बहुत ज़्यादा हैवी लुक के साथ हो, क्योंकि कहते हैं किसी भी सलवार सूट का, किसी भी सरारा का, किसी भी गरारा का जो पूरा का पूरा गेटअप है वो उसके दुपट्टे में ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ड्रेसेस यहाँ पे लगे हुए हैं उसका जो दुपट्टा है वो बहुत ज़्यादा हैवी है जो अपने आप में पूरा गेटअप जो है वो उस ड्रेस को दे देता है। तो सिर्फ एक तो नहीं बल्कि कई ऐसी वैरायटी है, कई ऐसी कलर्स है जो आपको यहाँ पे इस बार ट्रेड फेयर में देखने को मिल रहे हैं। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता और वक्त की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, वक्त की इन्फॉर्मेशन भी हर किसी को चाहिए होती है और हर किसी के घर में घड़ी ज़रूर लगा होता है। आजकल का समय बदल चुका है, लोग अपने मोबाइल फ़ोन में टाइम देख लेते हैं, पर कहीं ना कहीं जो घड़ी का ट्रेंड था वो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और हर किसी के ड्राइंग रूम में या यूँ कहे हर किसी के घर में एक जगह ऐसी होती थी जहाँ पर एक बड़ी सी घड़ी लगी रहती थी जिससे हर घर के मेम्बर जो होते थे वो वक्त देखते थे। तो यहाँ पे एक घड़ी की दुकान मैं आपको दिखाना चाहूँगी जहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन की जो घड़ी है यहाँ पे मिल रही है। तो सबसे पहले आप ज़रा इधर नज़र डालिए कि यहाँ पे कितने सुंदर डिज़ाइंस के यहाँ पे घड़ी जो है वो इस बार के ट्रेड फेयर में प्रदर्शनी के लिए लगाए गए हैं। बात करें गोल्डन कलर की घड़ी की तो आप देखिए कि गोल्डन कलर्स की घड़ी में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा है। गोल्डन और सिल्वर के साथ ये डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है
वो मेटल का है, मेटल का बना हुआ है। और जब घड़ी की बात हम कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी, ब्लैक कलर की एक घड़ी जिसकी डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो घड़ी हम जब भी खरीदते हैं तो कुछ अट्रैक्टिव इन दिनों में लोग जो हैं वो खरीदने लगे हैं, क्योंकि हर किसी के घर में घड़ी लगी ज़रूर रहती है, पर चाहते हैं कि उस घड़ी से भी वो अपने घर की जो खूबसूरती है वो उसको बढ़ाएं। बड़ी से एक मैं आपको घड़ी दिखाना चाहूँगी जो यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी घड़ी है और इसकी डिज़ाइन जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें जरी लगा हुआ है, कुंदन लगा हुआ है, इसी के साथ इसमें शीशे भी लगे हुए हैं। तो ये डिज़ाइन जो है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की, क्योंकि लोग इन दिनों जो टाइम है वो अपने मोबाइल में ही देख लेते हैं, पर घड़ी की रिक्वायरमेंट हर किसी को पड़ती है और जब ऐसे सुंदर घड़ी मिले तो भाई क्या कहने। तो इस बार के ट्रेड फेयर में ये भी खास है, और एक नहीं बल्कि कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन की घड़ी जो है वो दिखाया जा रहा है, उसकी प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है और लोग इसे खुशी खुशी खरीद भी रहे हैं। अब कुछ बात खाने पीने की करते हैं, पर जब खाना बनाने की बात होती है तो भाई रोटी बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कहते भी हैं कि रोटी बनाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, रोटी गोल बने या ना बने ये बहुत बड़ा डिफरेंट टास्क हो गया है आजकल के लाइफ में, पर आजकल लाइफ बहुत ईजी भी हो गई है। तो इस बार के ट्रेड फेयर में वैसे रोटी मेकर तो काफ़ी सालों से मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट में आ रहा है, पर मैं आपको यहाँ के ट्रेड फेयर में रोटी मेकर दिखाना चाहूँगी, जिसको लेके यहाँ पे फीमेल्स जो हैं, घर की जो लेडीज़ हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही है, खरीदारी कर रही है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं और किचन की एक ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना देती है। पर मैं आपसे इस रोटी मेकर की बात करूँ तो भाई क्या खासियत है इसकी और कितना बनाना टफ? ये मल्टी मेकर होता है, इसमें बेलने का ज़रूरत नहीं होता है, सिंपल ऐसे आटे का पेड़ लेना है और ऐसे रखना है, रख के ऐसे प्रेस करना है और ओपन करना है, नो रोलिंग नो आट। घर में रोलिंग करते टाइम लगता है बेलने में, या एक सेकंड में हो जाए चपाती को 10 सेकंड सेकना है, 10 सेकंड बाद चेंज करना है, 40 सेकंड में चपाती रेडी हो जाएगा। चपाती के अलावा इसमें 25 आइटम बना सकते, 10 सेकंड वन साइड, अदर साइड 30 सेकंड। रोटी के अलावा बनाना पराठा, आमलेट, डोसा, चिल्ला, ब्रेड टोस्ट, पापा रोल, इसका पराठा बनाना, आलू का, गोभी का, प्याज का, ये देख रहे हैं बबल सारे कंप्लीट हो रहा है। रोटी घर पे तवे बनाते हैं, कपड़े जैसे करते हैं, बाहर से उठा के देखते हैं, उठा के नहीं देखते। रोटी को फुलाना है तो साइड को चेंज करना है, ऊपर वाले फ्लेम को डाल देना, रोटी फूल के सिक्के कंप्लीट हो गए, आप कैसे बाहर आ जाएगा। विदाउट कार्बन स्टोव के पास रेडी होता है, जलता नहीं है, कार्बन नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, 2 घंटे 20 मिनट यूज़ करेंगे तो 1 मिनट का खर्चा आएगा। ये 2150 है, डिस्काउंट में मिलेगा 1750 का। ये माना जाए कि रोटी बनाने में जो डिफिकल्टीज देखने को मिलती है, या तो रोटी जले ना, कच्ची ना रह जाए, तो ये कार्बन नहीं आएगा, सॉफ्ट चपाती रेडी हो जाएगा ऐसे जैसे सॉफ्ट चपाती। कि लाइफ कितनी ज़्यादा इजी हो गई है, और सिर्फ इससे रोटी ही नहीं बल्कि आप इसे ब्रेड को भी सेक सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे चीला बनाया गया है और उसी के साथ मैं पराठा आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये स्टफ पराठा है जो यहाँ पे इसी के थ्रू बनाया गया है। तो भाई मार्केट में, या यूँ कहें आपको हर जगह रोटी मेकर तो मिलता है, पर ट्रेड फेयर एक ऐसा मेला होता है जहाँ पे घर की जो लेडीज होती है, घर की जो फीमेल्स होती है, वो पूरा का पूरा टाइम निकाल के आती है ताकि उनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो है वो मिल जाए। तो ऐसे में भाई किचन में यदि आप रोटी मेकर रखेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, जो यहाँ पे देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अपने किचन को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए इस रोटी मेकर को खरीद रहे हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कि अभी अभी तुरंत रोटी बनी है जो बिल्कुल हर साइड से पकी हुई है, आपको कहीं से भी कच्ची नहीं दिखेगी, और सबसे खास बात यह है कि रोटी फूली हुई है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट जहाँ कहा जाता है कि गोल्ड की डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा सुंदर मिलती है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है, और भाई कलकत्ता का सोना बहुत ही अलग होता है। और ऐसे में ट्रेड फेयर में वेस्ट बंगाल्स के भी बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पे गोल्ड प्लेटलेट की डिज़ाइंस के साथ साथ गोल्ड के बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं। पर मैं आपको एक स्टॉल दिखाना चाहूँगी जहाँ पे
1.5 गोल्ड क्लेकरिंग के साथ यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं। तो बात करें सबसे पहले इयररिंग्स की, तो मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाना चाहती हूँ जो ये मेरे हाथों में है। ये बहुत ही खूबसूरत सा इयररिंग का डिज़ाइन है जो अपने आप में बहुत सुंदर है। और पश्चिम बंगाल में झुमकों का ट्रेंड एक अपना अलग ही फैशन माना जाता है, इयररिंग्स का एक अपना अलग ट्रेंड माना जाता है, जिसमें से आप ज़रा ये देखिए, ये डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट डिज़ाइंस के यहाँ पे इयररिंग्स जो है वो मिल रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में चूड़ा और कड़ा का भी अपना एक खास महत्व माना गया है। आप जो ये मेरे हाथ में बैंगल्स देख रहे हैं, इसके डिज़ाइंस आप खुद ज़रा देखिए, ये डिज़ाइन आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसी है जो प्रॉपर बंगाली लुक और बंगाली गेटअप के साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। और वेस्ट बंगाल में आप किसी वेडिंग में जाते हैं या ब्राइडल को देखते होंगे, और हर जगह हर स्टेट में तो हैवी नेकलेस लोग पहनते हैं, पर यदि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे जो ब्राइडल होती है, जो जहां की जो ब्राइड होती है वो चिक पहनती है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस के चीक हैं, और बंगाली का ट्रेडिशन और फैशन ही ये चीक होता है जो हर ब्राइडल नहीं पहनती, बंगाली ही ब्राइडल्स ऐसे डिज़ाइंस के चीक पहनते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको रिंग्स भी दिखाती हूँ, यहाँ पे रिंग्स भी बहुत सुंदर है, डिफरेंट डिज़ाइंस के यहाँ पे जो रिंग्स है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। तो भाई गोल्ड की जब भी बात होती है तो कैलकटा सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि कैलकटा में जो गोल्ड की डिज़ाइंस होती है, सोने में जो डिज़ाइन कड़ी हुई मिलती है वो हर जगह नहीं मिलती, उसका एक अपना अलग ही गेटअप होता है, एक अपना अलग ही लुक होता है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आजकल हाईटेक चीज़ों का ज़माना है और ऐसे में लाइफ इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि आजकल ऐसी ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन करके बनाया जा रहा है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। और आपको मैं ये दिखाना चाहूँगी इंस्टेंट गीज़र जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना सकता है, गर्म पानी के साथ साथ ये आपको स्टीम भी देता है। पर इसके बारे में बहुत सारे लोग कम जानते हैं, पर ये धीरे धीरे मार्केट में तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग अपने घर पर गीज़र की जगह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इसकी खासियत है, पर खासियत के साथ साथ मैं आपको इसका प्रोसेस भी चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैम, ये इंस्टेंट पोर्टेबल गीजर होता है, जैसे दो स्क्रू पे हैंग हो जाता है, जैसे हम वॉश टांगते हैं ना दो स्क्रू पे, सुबह बाथरूम में शाम को किचन में दोनों जगह यूज कर सकते हो। काफी ईजी तरीका है इसको यूज करने का। ये इसका इनपुट है, ये आप अपने टैब में लगा दो, यहाँ से टैब ऑन करोगे, यहाँ से ठंडा पानी जाएगा, तुरंत 10 से 12 सेकंड के अंदर आपको गर्म पानी मिलेगा। आदर्श गीजर में क्या होता है, हमें वेट करना पड़ता है तुरंत वेट, लेकिन इसमें आपको ना कोई वेट करना ना कोई स्टोरेज करनी, 10 से 12 सेकंड के अंदर आपको गर्म पानी देगा। जब आप टैप बंद कर देते हो, ये इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट है, टैप बंद कर दोगे इसके अंदर 200 ml पानी स्टोर हो जाता है, उस पानी को ये स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। स्टीम के भी कई सारे मल्टीपल यूज़ होते हैं, मान लो आप किचन में यूज़ कर रहे हो, आपको कॉफ़ी पीने का मन है तो आप कॉफ़ी भी इसमें बना सकते हैं। देखिए कैसे, कॉफ़ी का मटेरियल अपने बर्तन में डाल दीजिए, जैसे आप शादी पार्टियों में कॉफ़ी बनाते हैं आप वैसे कॉफ़ी बना सकते हो, झागदार कॉफ़ी बनके आपकी तैयार हो जाएगी। लेडीज़ें होती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वो घर पे स्टीम ले सकती हैं, उसका पैसा बचेगा। मैडम आप भी जाते होगा, आपका भी पैसा बचेगा, आप भी ले लीजिए। विक्स, बच्चों को सर्दी जुकाम है, आप इसमें विक्स लगा लो, आपको विक्स लगाएंगे सर्दी जुकाम से तुरंत आपको राहत देगा। ये देखिए 2 साल की फुल रिप्लेसमेंट गारंटी है, और ये गीजर कभी भी जलेगा फूकेगा नहीं। आप 10-15 हज़ार का गीजर लेते हो मार्केट में, बिना पानी के ऑन छोड़ दोगे तो जल फूक जाता है, लेकिन ये देखो बिना पानी के ऑन है, कभी भी लाइफ में जलेगा फूकेगा नहीं, खाली इंडिकेट करेगा आपके घर में बिजली है। बिजली कंजप्शन जब ही लेगा जब इसके अंदर पानी जाएगा, अदरवाइज ऑटो ऑफ रह जाता है। देखा आपने लाइफ कितनी ज़्यादा इजी हो गई है, आप इसको किचन के साथ साथ वॉशरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। और भाई गर्म पानी और स्टीम तो हर किसी को चाहिए होता है, तो इस बार ट्रेड फेयर में कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है इसको देख के लोगों के। इस पे यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख के लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ है क्या, हमें भी बताइए, इससे तरह हमारा और भी जो हमारी सेल है उससे हमें और अच्छी प्रगति मिल रही है। और यदि इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस क्या है? बहुत प्राइस इसका बहुत ज़्यादा कम है, कंफर्टेबल है, जो गरीब से भी गरीब बंदा भी इसको यूज़ कर सकता है। क्या है प्राइस? 2665।
2600 में आप अपने एक छोटे से इंस्टेंट गीजर को आप अपने किचन के साथ साथ आप अपने वॉशरूम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बहुत ज़्यादा कम मार्केट में देखे हैं या उनके मार्केट में नहीं मिलता, पर ट्रेड फेयर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पूरे देश भर की चीज़ों का समावेश नज़र आता है। या लाइफ कितनी मॉडिफाइड हो गई है, आजकल मार्केट कितना मॉडिफाई हो गया, क्या डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी और क्या डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी की चीज़ें मार्केट में आ रही है, वो इस बार ट्रेड फेयर में देखने को मिल रहा है। और आपने देखा कि इंस्टेंट गीजर कैसे आपको रिलीफ देता है, गर्म पानी के साथ साथ वो आपको स्टीम दे देता है। देश भर के हुनर उस्तादों को सलाम, क्योंकि ये हुनर हर बार देखने को नहीं मिलती। ट्रेड फेयर एक ऐसा मेला है, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मेला है जिसकी जो आयोजन है वो पूरे साल भर में एक बार भले होती है, पर एक बार आप इस मेले के साथ साथ पूरे देश भर के हुनर को सलाम कर सकते हैं, पूरे देश भर की क्रिएटिविटी को देख सकते हैं। तो इस बार का ट्रेड फेयर बेहद ही खास है, बेहद ही स्पेशल है, और हर बार की तरह इस बार का भी जो ट्रेड फेयर है वो आकर्षण का केंद्र इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा देखी जाती है। लोग अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस ट्रेड फेयर में आते हैं और इस ट्रेड फेयर को एंजॉय करते हैं। तो इस बार के भी ट्रेड फेयर को आप एंजॉय कीजिए, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप आइए और इस बार के ट्रेड फेयर को और भी ज्यादा स्पेशल बनाइए, क्योंकि इस बार का जो ट्रेड फेयर है उसका जो थीम है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रखा गया है, जिससे आप अपने बिजनेस का आयात निर्यात भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे यादों को ले जा सकते हैं जिसको देख के आप सलाम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है जिसे दिखाने का मौका यहाँ पे ट्रेड फेयर के दौरान मिलता है। तो आप भी आइए, इस ट्रेड फेयर को एंजॉय कीजिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं पूजा, R9 TV, दिल्ली।